ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है, और अपने बच्चों को ऐसा सालन ज़रूर बना के दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप बहुत खैरियत से होंगे, खुश रहें, बाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसाते रहें। इंशाल्लाह आज मैं आपको अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, ग्रेवी वाले अंडे। आज मैं अंडा की सब्ज़ी बनाऊँगी, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हम शुरू करते हैं। चार टमाटर और दो प्याज, ये इतना सा छोटा सा वो अदरक का टुकड़ा, और थे जमे लहसुन के, और छः अंडे, और ये बहुत दार और ग्रेवी बनाएंगे इंशाल्लाह। हम शुरू करते हैं। ये देखो ये अंडे में रख रही, आराम से रखना क्योंकि ये टूट जाएंगे, बेकार हो जाते हैं। अंदर अच्छे अंडे उबलते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं उसमें टूट जाते हैं। और ये मैं एक मान लेती हूँ, ये मैंने एक चम्मच ये मिर्चों का लिया है, इसी मिर्च, और आधा चम्मच ये नमक और हल्दी जायका, और आप कितना पसंद करें उतना ही डाल लें। और मैं ना ये एक चम्मच ये साबुत धनिया ले रही हूँ, और इसका ना खुशबू बहुत अच्छी आती है धनिया मैं का, और आधी चम्मच ये सफ़ेद जीरा, इसको मैं कूटूँगी, और ये इसके साथ ना बहुत ही मज़ेदार ये मिर्च बनाऊँगी मैं। ये देखो नमक मैंने छिलका था ना, कितने अच्छे अंडों का छिलका उतरता। आप भी ऐसे करें, थोड़ा सा अंडे उबालने वक्त नमक छिना एक चम्मच डाल दे करें, और बहुत ही अच्छे अंडे उबलते हैं। और 10 मिनट में पूरे 10 मिनट अंडे पकाए। मैं बनाऊंगा थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इनका अच्छा मैं आम गया ठंडा निकाल रही हूँ, फ्राई हो गया ये, वो थोड़ा सा ना ज़्यादा उबल गया था। प्याज ब्राउन किया और ज़्यादा नहीं करना, ये चार टमाटर हैं दरमियाने साइज के, ये मैं डाल रही हूँ। इसका मैंने छिलका बिल्कुल उतार दिया, और देखना ये बिल्कुल भून जाएंगे, और इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। और आपको पता ही है मैंने जो जो डाला है, जीरा और साबुत धनिया और इसके साथ लगा हुआ था। ये ग्रेवी सी बन जाएगी, फिर उसको बाद में जो था ना मेरा हाथ
अच्छी तरह भून गया और मैं इसमें अंडे डालती हूँ। ये अंडे डाल रही हूँ, ये मैंने कल रोस्ट बनाया हुआ था। ये मैंने कहा ये बच्चे वैसे तो था नहीं, से कल पक गया था हमारा बिल्कुल, तो आज मैं इसमें अंडे बनाती हूँ और ग्रेवी वाले अंडे और साथ भी चिकन डाल देती हूँ। अंडा तो फूट गया, अंडा बन रहे हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। कल मैंने ना रोस्ट बनाया था और बाल हो गया। ये साथ मैंने उबला हुआ चिकन था वो मैंने डाल दिया है, जो इसका इतना अच्छा टेस्ट हो गया ना मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो, ये देखो हमारा बिल्कुल सादा बिल्कुल भून गया। ये देखो अब ये साथ लग रहा है कढ़ाई के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी टेस्टी बनी है। चिकन मैं ना उबला हुआ पहले का रखा हुआ था वो मैंने कहा अब मैं चूल्हा बंद करने लगी। साथ में ये रखूँगी अंडे। देखो मेरे अंडे और चिकन और अंडे ये तैयार हो गया। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। और अपने बच्चों को ऐसा सालन ज़रूर बना के दीजिए। और इंशाल्लाह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो और लाइक कीजिए और मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत गर्मी हो रही है, रेसिपी बनाते बनाते बहुत तौबा मैं तो पूरी नहा चुकी हूँ रेसिपी बनाते बनाते। और अपने दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और अभी तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।